तो मैथ यूनिवर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कोन यानी राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर से, चैप्टर 13 क्लास 10th। तो कोन क्या है? कोन एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। कोन कुछ इस तरह का फिगर होता है, जिसका बेस सर्कुलर होता है, बेस होता है सर्कुलर, और ये इसका वर्टेक्स है, ये स्लेंट हाइट है, ये हाइट है, और ये बेस का सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये है कोन, राइट सर्कुलर कोन। जब वर्टेक्स और बेस, बेस का जो सेंटर है उसको जब मिलाएंगे और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा। मैं आपको एक कागज़ के थ्रू बताता हूँ कि राइट सर्कुलर कोन दिखने में कैसा होता है। ये देखिए, ये कुछ राइट सर्कुलर कोन इस तरह का होता है, ठीक है। ये वर्टेक्स है और ये जो है बेस है, जो एक सर्कल के शेप का है, ठीक है। और ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। वर्टेक्स और ये बेस का जो सेंटर होगा उसको जब ये हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर कोन होगा। कोन कई तरह के हो सकते हैं, ये राइट सर्कुलर कोन है। अगर एक कोन हम ले तो ये भी कोन है, ठीक है, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ये ऑब्लिक कोन है, ठीक है। क्योंकि इसका वर्टेक्स और सेंटर को जब मिलाएंगे तो ये जो हाइट होगा ये 90 डिग्री पे नहीं है, इसलिए राइट सर्कुलर कोन नहीं है। तो इस चैप्टर में हम जिस कोन की बात करेंगे वो राइट सर्कुलर कोन होगा, और इसे हम सिंपली कोन से भी कह सकते हैं, यानी ये कोन भी हम सीधे इसे कह सकते हैं। राइट सर्कुलर कोन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, जो खोखला भी हो सकता है, यानी हॉलो हो सकता है। ये हॉलो है, और या तो ये सॉलिड होगा पूरी तरह से बंद, ये सर्कुलर बेस है, ये पूरी तरह से बंद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हॉलो भी हो सकता है और ये पूरी तरह से बंद भी हो सकता है, ओके। जिस तरह से हमने ये बेलन यानी सिलेंडर और क्यूब को जो सॉलिड फिगर जो बनाया था, तो कई सर्कल जब एक के ऊपर स्टैक किए गए थे तो ये बेलन बना था इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से कोन, ये जो कोन है ये भी कैसे बनता है, जब एक एक राइट एंगल ट्रेंगल को, ठीक है, एक्सिस लेकर, अगर हम इसे एक्सिस ले लेते हैं और इसे घुमा दिया जाए तो इस तरह का फिगर बनता है, थ्री डायमेंशनल फिगर, ठीक है। ये टू डायमेंशनल में है, लेकिन जब एक एक राइट एंगल ट्रेंगल को उसके एक परपेंडिकुलर साइड को एक्सिस लेकर, चलिए हम इसे ले लेते हैं, इसे एक्सिस लेकर जब स्ट्रिंग के थ्रू आप इसे घुमाएंगे तो इस तरह का फिगर क्रिएट होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमने सॉलिड फिगर बेलन हो गया, फिर उसके बाद क्यूब हो गया, उसको हमने एक ऊपर स्टैक करके बनाया था, उसी तरह से ये डिफरेंट तरीके से हम इसे क्रिएट करते हैं। अब हम जानेंगे इसके लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये जो कर्व एरिया है, कर्व सरफेस है, इसे हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और जब इसमें हम इस नीचे वाले सर्कल को भी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे अगर हम इसे बनाते हैं इस तरह से, तो ये जो पार्ट होगा ये कर्व सरफेस है, ठीक है। और जब इसमें हम सर्कल को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी बेस को शामिल करके, ओके। तो इस तरह से ये हो गया कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया सर्कल को मिला लेने के बाद। अब इसका फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये क्या है, ये कर्व सरफेस है, ठीक है, ये कर्व सरफेस है। तो इसका हमें एरिया निकालना है कर्व सरफेस का। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, यानी कि हम यहाँ पे बना लेते हैं फिगर। जब इसे आप ओपन करेंगे, अगर इसे काट देते हैं यहाँ से और ओपन करते हैं, तो एक फिगर बनेगा इस तरह का, ठीक है। और ये जो एरिया होगा यही इस फिगर का कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि जब इस फिगर को हम ओपन करते हैं तो फिगर इस तरह बनता है, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ पर, ये क्या है, एक कोन है, ठीक है,
कोन है, और अब हम इसे ओपन कर देते हैं। तो ओपन करते हैं तो फिगर बन गया इस तरह का। तो यही तो मेरा कर्व सरफेस एरिया है, ये चारों तरफ, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है ये वाला पूरा। तो ये फिगर इस तरह से बना, ठीक है, इस तरह से बना फिगर। ये क्या है, ये एल होगा, यानी ये स्लेंट हाइट। जब इसे ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक और फिगर बना देता हूँ, ये हमने ओपन किया, ठीक है, इसको हमने ऐसे ओपन किया और फिर पूरी तरह से इसे खोल कर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये जो है ये स्लेंट हाइट हो गया, ये वाला ये हाइट हो गया, तो ये हमने एल लिख दिया, ठीक है। और ये जो राउंड फिगर है ये पूरा, ये हो गया, ठीक है। ये जो बेस है, ये बेस, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ओके। अगर हम इस पार्ट का, इसका पूरा एरिया अगर हम निकाल देते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो हमें इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कई ट्रेंगल्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कई ट्रेंगल में इसे हम बांट देंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे हम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू, अगर एक ट्रेंगल का एरिया हम निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस, बेस हम ले लेते हैं बी वन, बी वन, और इंटू ये एल हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा एल। उसी तरह से दूसरे ट्रेंगल के लिए हाफ इंटू बी टू ले लेते हैं इसका, बी टू, बी टू इंटू एल। उसी तरह से तीसरे के लिए हम ले लेते हैं हाफ इंटू बी थ्री और इंटू एल। उसी तरह से आगे इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें दो चीज़ कॉमन है, हाफ इंटू एल, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री और प्लस इसी तरह से आगे। तो ये बी वन बी टू बी थ्री ये कहाँ तक है, ये पूरा लेकर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला सर्कल का पार्ट है, ठीक है। जैसे हमने ओपन किया तो ये क्या है, ये सर्कल का पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो कोन में जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2πr है, यानी कि बी वन प्लस बी टू, बी वन बी टू, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2πr होगा, हाफ इंटू एल इंटू 2πr, ठीक है। और जब इसे हम एल यहाँ पर लिखेंगे पाई आर एल, तो ये है टोटल एरिया इस फिगर का, ठीक है। और यही है इसका कर्व सरफेस, यानी कि इसी को हमने ओपन करके ये बनाया, तो जो इसका एरिया है वही इस कर्व सरफेस का एरिया है। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर, आर इसका बेस का रेडियस है और एल स्लेंट हाइट है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ कर्व सरफेस एरिया का। दूसरा का फॉर्मूला देखें तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और प्लस इसमें हम नीचे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यानी दो फॉर्मूला, एक कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस चैप्टर में हम जो भी कोन लेंगे वो एक स्टैंडर्ड कोन यानी कि राइट सर्कुलर कोन की हम बात करेंगे। वैसे तो कोन एक और तरीके का भी हो सकता है, जैसे ये जिसका बेस सर्कुलर ना हो, ये भी एक कोन है, ठीक है, लेकिन बेस इसका सर्कुलर नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड कोन को हम लेंगे यहाँ पर, जिसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने यहाँ पर निकाला, अभी फॉर्मूले को फाइंड किया। अगर हाइट, लेंथ और रेडियस दिया हो, ठीक है, कोन का, तो हम कर्व सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है।
और टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। ओके, तो इस तरह से हमने कोन, राइट सर्कुलर कोन के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वॉल्यूम वगैरह की भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।